देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, दोनों जगहों की अहमियत के बावजूद कैसे बरसों तक दोनों बड़े शहरों की दूरी कम करने के बारे में सोचा नहीं गया, उसके बारे में विस्तार से आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जिसके बारे में बता रहा हूं, यह कमाल की चीज बनी है बॉस। और आप कहेंगे कि भाई एक्सप्रेसवे तो लखनऊ वाला भी है। अरे बॉस, अभी इसके बारे में सुनिएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या ये चीज बन गई। इसकी कुल दूरी जो है, मिटो ना, कुल दूरी ये है 1380 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे। इसमें लेन कितनी होगी? 8 लेन है और ये 12 तक बढ़ सकती है। एक्सटेंशन कितना हो सकता है? इतनी जगह बनाई गई है, छोड़ी गई है कि 12 लेन का भी बन सकता है। 5 राज्य से गुजरेगा, मतलब 5 राज्यों को फायदा होगा। अब ये 5 राज्य कौन है? दिल्ली भी है इसमें, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, फिर एमपी भी है और गुजरात भी है। लास्ट में मुंबई पहुंच रहा है तो महाराष्ट्र हो ही जाएगा। तो ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, 6 राज्य हो गया एक तरीके से। तो इसको 6 कर दीजिए, 6 राज्य। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको जो जिन राज्यों से गुजरना है उसके बारे में तो बता ही दिया, लेकिन अभी दिल्ली से मुंबई अगर कोई सड़क के रास्ते जाता है तो उसके लिए 2 रूट है। पहला रूट होता है दिल्ली मुंबई वाया ग्वालियर भोपाल, इसकी दूरी है 1450 किलोमीटर और 26 घंटे का समय लग जाता है। दूसरा रूट है दिल्ली मुंबई वाया अजमेर अहमदाबाद, यह 1410 किलोमीटर का रूट है, इसमें भी 26 घंटे लगते हैं। अब जो ये दिल्ली मुंबई आपको बता रहा हूं एक्सप्रेसवे, इसमें समय कितना लगेगा आपको पता है? ये 1380 किलोमीटर का है और इसमें समय लगेंगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 12 घंटे, मात्र 12 घंटे। अभी कितना लगता है जो आपको बताया? 26 घंटा लगता है बॉस। मतलब वो एक्सप्रेसवे बन रहा है जो सीधा 14 घंटे खा जाएगा, मतलब बचा देगा आपका। कहां 26 घंटा लगता है, कहां 12 घंटा लगेगा। सुबह आप बैठे और गाड़ी से पहुंच गए मुंबई, ट्रेन दिल्ली से मुंबई पहुंचाती है 15 घंटे 40 मिनट में। ये नरेंद्र मोदी ने ऐसी सड़क बना दी, पहुंचा दी 12 घंटे में। इधर से रेस लगाइए, घर वाले को बोलिए तुम ट्रेन में बैठो, मैं गाड़ी से जाता हूं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। फिर उसको वहां मुंबई स्टेशन पे रिसीव कीजिए, बोलिए हेलो मैं आ गया एक्सप्रेसवे। ये माहौल हो जाएगा बॉस। और अभी इसकी खासियत तो बताई नहीं आपको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कई फेज में तैयार किया जा रहा है और सोना दौसा स्ट्रेच इसका फर्स्ट फेज है, इसलिए जैसे जैसे जो हिस्सा बनकर तैयार होता जाएगा उसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बन जाने से सिर्फ समय ही नहीं बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा और इन सब के अलावा जिन जिन शहरों से एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज होगा। कैसे होगा इसके लिए आपको एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत बताता हूं जो इसे सबसे अलग बनाती है। मैंने बोला ना बॉस, ये सिर्फ समय बचाने वाला एक्सप्रेसवे नहीं है, बहुत झमाझम एक्सप्रेसवे। एक तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, दुनिया का एक्सप्रेसवे बनाने में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। 50 साल तक का समय बताया गया है कि इसमें टूट फूट होने का कोई हिसाब ही नहीं है। 50 साल तक भूल जाइए, कोई टूट फूट नहीं होगी, यह दावा किया जा रहा है। एशिया का पहला ग्रीन ओवरपास इस पर बन रहा है। अब ये ग्रीन ओवरपास क्या, आगे दिखाऊंगा आगे डिटेल में। एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड बनाया जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी दौड़ा सकते हैं। हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल होगा, मतलब हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी आ जा नहीं सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एशिया का पहला ग्रीन ओवरपास और ग्रीन अंडरपास बनाया जा रहा है। आपने फुटओवर ब्रिज सुना होगा, रेलवे ओवरब्रिज सुना होगा, लेकिन ये ग्रीन ओवरपास और अंडरपास क्या है बॉस? इसके लिए आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं जिसके बाद आप ग्रीन ओवरपास और अंडरपास आसानी से समझ पाएंगे। जरा इस तस्वीर को यहां डालिए।
जो मैं आपकी इसकी खासियत बता रहा था भैया, ऐसी एशिया में ऐसी सड़क नहीं बन रही, बनी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इस एक्सप्रेसवे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि ये किस तरह से होगी। इसमें आपको दो टनल दिख रहा है, यहां पर जरा ये दिखाइए, ये यहां पर आपको एक टनल दिख रहा है, ये आपको दूसरा टनल दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें से गाड़ियां गुजरेंगी, यहां से गाड़ी आएगी और यहां से गाड़ी निकलेगी, दो अपने रास्ते बने हुए हैं। मतलब ये ऊपर का हिस्सा जानवरों के लिए है कि आप यहां जंगल से निकलिए, टहलते हुए ऊपर से देखिए, अरे ये अपने मिश्रा जी जा रहे हैं और शेर चला गया ऊपर से देखता, किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है, किसी जानवर का ऊपर से देख रहा है गाड़ियों को कि कैसी कैसी गाड़ियां जा रही। तो इससे फायदा क्या है, ये तो लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि जानवर सड़क पे नहीं आएगा तो हादसे नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, साइड में ना मजबूत शीशे लगा दिए गए। ये देख रहे हैं ये वाला हिस्सा जो है, इसको दिखाइए, ये शीशा लगा हुआ है, इस तरह का शीशा लगा दिया जाएगा तो इधर से जानवर नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ दिया, ऐसे आओ घूम के जाओ, घूमो अपना जंगल में। तो शीशा ऊपर से नीचे तक लगाया ताकि कोई भी जानवर एक्सप्रेसवे पर ना आ सके। एक बार इसका वीडियो है क्या, वीडियो चला के दिखाएगी किस तरह का बना है, वीडियो भी है मेरे पास, वो भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। अच्छा तब तक एक दूसरी तस्वीर दिखाई, इसमें आपको कुछ जानवर जो है वो नीचे आते हुए दिखेंगे, जिसमें जो वीडियो दिखाऊंगा एक बार उसमें दिखाई बड़ी स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि जो वीडियो है उसमें दिखता है कि कैसे कुछ जानवर जो है वो नजर भी आ रहे हैं और ऊपर कुछ फ्लाईओवर जैसा दिख रहा है। तो ये तस्वीर है, ये पहला ग्रीन फ्लाईओवर दिखा रहा हूं, जानवर वाला वीडियो डालिए ना बॉस। तो अंडरपास से गाड़ियां निकल रही हैं, ये देखिए, ये अपना ऊपर देख रहे हैं, ऊपर हाईवे है और नीचे जो है वो जानवर चल रहे हैं। इसी तरीके से अंडरपास भी कहते हैं, एनिमल अंडरपास, मतलब जमीन पर जानवर घूमेंगे और जमीन से कई फुट ऊपर पिलर पर सड़क बनी होगी, उससे गाड़ियां गुजरेंगी, मतलब जानवर सड़क पर नहीं आएगा और ना ही एक्सीडेंट का चांस होगा। तो दो चीज बना दी गई, एक अंडरपास बन गया जिससे गाड़ी अंदर से जा रही है और दूसरे हिस्से ऐसे बना दिए गए जहां ये ब्रिज ऊपर है और जानवर नीचे से गुजर रहा है, मतलब प्रकृति का बैलेंस बना हुआ है। एशिया में पहली बार ग्रीन ओवरपास बनाया जा रहा है, राजस्थान के बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच ग्रीन ओवरपास तैयार किया जा रहा है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन ओवरपास होगा। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे बकायदा टनल बनाई जा रही है, मतलब ऊपर बाघ घूम रहे होंगे, नीचे टनल से गाड़ियां गुजर रही होंगी। इसी तरह माथेरान इको सेंसिटिव जोन में भी टनल बनाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुल 5 ग्रीन ओवरपास बनाए जा रहे हैं, साथ ही 3 ग्रीन अंडरपास तैयार किए जा रहे हैं। मोदी साथ है राजस्थान।